मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा को आपके बीच में नहीं बोल सकता हूँ। जो समाजवादी पार्टी को 370 के बारे में कहना था, लोकसभा में मैंने भी कहा। क्या जो आज हो रहा है वहाँ पर, आज 20 दिन से ज़्यादा लोग हो गए हैं, लोग बंद हैं, घरों में कैद हैं, और हम राजनीतिक दल लोग के लोग हैं, लेकिन हमें पत्रकार साथी बताएं कि आखिरकार हो क्या रहा है वहाँ पर। और फिर सरकार का इतना ही अच्छा फैसला था, तो लोगों से पूछ के क्यों नहीं फैसला लिया गया? ऐसे तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, अगर केवल दो लाइनें पढ़ लें शुरुआत की, वो तो इस पक्ष में भी थे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब मिलकर के एक महासंघ बने जहां कम से कम प्लेटफॉर्म हो। आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। क्या वहां के लोगों में वही खुशी है जो लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई है? जो आज उनके साथ हुआ है वो आप और हमारे साथ भी कल होगा। आपके और हमारे साथ भी होगा। और जहां तक हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि ईडी का डर, मैंने कहा लोकतंत्र में एक नई संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, और ये सीखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से कि इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी होगी। उसने कभी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं बनाया होगा। ये सीखने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। और ईडी, सीबीआई और डर, ये नए लोकतंत्र का, नए भारत का ये नया लोकतंत्र है। ये डरा करके और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में न जाने कितने इनकाउंटर हुए हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। ये कहा कि इनकाउंटर हम इसलिए कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार एक बार सूची क्यों नहीं दे देती है कि कितने अपराधी हैं और कितने अपराधियों के नाम पर इनाम घोषित है, किस थाने में है वो, सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिरकार कौन जिम्मेदार है? और सोचिए उत्तर प्रदेश में जो फर्जी इनकाउंटर हुए तो वो हुए ही हुए हैं। क्या एक पुलिस के अधिकारी की जान चली जाए? और जब वो अपराधी लोग, खैर वो मैं नहीं कहता हूं कि क्या है जिन पे आरोप लगे हों, जब वो कोर्ट से निकल करके आए तो उनका स्वागत हो रहा हो, क्या ये नया लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की परिभाषा होगी? और फिर कितने लोगों की हत्या हुई है? आप बताइए, पुलिस का अधिकारी मारा गया और उसका स्वागत हो रहा है जब बेल मिली है जिस पे आरोप हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? और एक महिला के साथ एटा की आवागढ़ थाने के आसपास जो हुआ है, पुलिस ये डराती थी कि तेरे पति का इनकाउंटर हो जाएगा और अगर इनकाउंटर से बचना चाहती हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो और उससे संबंध बनाए, वो आज प्रेग्नेंट है महिला। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। आप निकालिए ह्यूमन राइट के जो नोटिस मिले हैं, सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं। कैसी सरकार है बताइए? मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हो, उप मुख्यमंत्री के वापस ले रहे हो, जिन पे गंभीर धाराएं लगी हों वो मुकदमे वापस हो रहे हो। क्या समाजवादी पार्टी ने इसीलिए 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाई थी जिसमें पुलिस बैठे और आम जनता पर अन्याय करे? ऐसी बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में पुलिस के पास नहीं है। कोई देश का डीजीपी इतनी अच्छी जगह नहीं बैठता होगा जितना समाजवादी सरकार में इस उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ रही है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बनाया था ये 100 नंबर स्ट्रक्चरल चेंज? आप देखिए चीफ सेक्रेटरी के भाषण सुनिए, अगर कहीं प्रेजेंटेशन हुआ होगा देश में किन्हीं अधिकारियों के सामने, तो बोलो सरकार ने किसका प्रेजेंटेशन किया है? यही डायल नंबर 100 का प्रेजेंटेशन हुआ है
न जाने कितने देश के अधिकारी आए हैं उस बिल्डिंग में, उसमें समझाया गया है कि 100 नंबर कितनी अच्छी योजना है। और बताइए, उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हो प्रचार में, गमलों में खर्चा कर रहे हो, लाइट में खर्चा कर रहे हो। आपको लखनऊ सुंदर दिखाना था, गोमती का किनारा सुंदर दिखाना था, तो लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही उद्योगपति उत्तर प्रदेश से गए लाइट ऑफ कर दी। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या कहा आपने कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? आपने बजट उससे कम दिया, लेकिन गाय मां के लिए बजट ज्यादा दिया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बची और ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ कहीं उत्तर प्रदेश में। बताओ, इतने 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद क्या गाय मां जिंदा है? मैं हमीरपुर की तस्वीर कभी याद करता हूं, जिन परिवारों में बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि अगर कहीं बच्चा अकेला चला गया, कहीं ऐसा नहीं तार छू ले तो उसकी जान चली जाए। मैंने अखबारों में वो तस्वीर देखी है कि दो बच्चे खेलते खेलते नहा करके वो तार को छू लिए और उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश में अभी भी हो रहा है ये कई जगह। अभी अभी कुछ दिन पहले किसान की मृत्यु हो गई केवल तार लगाया था इसलिए। और फिर क्या कर रहे हो किसान के लिए? हम देखने गए थे रशिया में किसान कैसे तरक्की करता है, फूड प्रोसेसिंग देखने गए थे, और आपके एक्सप्रेस के किनारे जो मंडियां बन रही हैं वो आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। वो इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि समाजवादी लोगों ने बनाई हैं, इसलिए अधूरी पड़ी हुई हैं। ये मॉडल है विकास का कि एक्सप्रेस वे बनाइए, उसके किनारे आप मंडियां दीजिए, उन मंडियों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। क्या दुश्मनी थी इत्र से आपको? आपने इत्र किया वो छीन लिया। ये है कानून व्यवस्था आपकी। और आप अपने अधिकारियों का प्रमोशन मिल जाए, कौन नहीं जानता नोएडा में उस आईपीएस ने क्या क्या नहीं किया। और मेरा दुख है इस बात का कि सबसे पहली पोस्टिंग मैंने उस आईपीएस को दी थी। और बताइए, उस आईपीएस को इसलिए बैठाया गया है कि आजम खान साहब यहां पर निकल ना पाए, आ ना पाए। यूनिवर्सिटी पे एक जांच, दो जांच, तीन जांच, पांच जांच, झूठे मुकदमे कितने, 70 से ऊपर झूठे मुकदमे लग चुके हैं। कोर्ट मदद कर रहा है उसमें। आप डरा के राजनीति करना चाहते हैं? मैं कहता हूं लखनऊ में किसी कोने पे निकल जाओ, कहां इलीगल बिल्डिंग नहीं है ये बता दो मुझे। मुझे एक कोना बता दो। मैं उन संस्थानों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मेरे पास तस्वीर है, रिकॉर्डिंग है, जो आज भी इलीगल काम हो रहा है वहां पर। आज भी इलीगल काम हो रहा है लखनऊ में, जब राजधानी में लीगल हो रहा हो, सड़क के ऊपर बन जा रही हो चीजें, आपके मालिक नहीं है आप बना ले रहे हो, लखनऊ में बन रहा है। कौन नहीं जानता लखनऊ में कहां कहां इलीगल हो रहा है काम? लेकिन नहीं, लखनऊ में तो हो सकता है इलीगल काम, लेकिन किसी पार्टी का नेता ने जो अगर पढ़ाई लिखाई के लिए कोई संस्था बनाई है तो उसकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच ऐसी होगी जिस पर कार्रवाई हो जाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। और अब तब नहीं आएगा जब बैंक सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप सोचो बैंक्स की हालत कैसी है, आप सोचो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चला गया, रियल इस्टेट कहाँ चला गया, स्टील इंडस्ट्री कहाँ चली गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ चला गया, शोरूम्स कहाँ चले गए? आप सोचो कभी, जो गंगा की सफाई का दावा करते थे, आई बाढ़ पानी ले गई गंदगी, लेकिन गंदगी नहीं हटा पाई ये लोग। क्या गंदगी हट गई? इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही चाहता हूं, कैसे लोगों को चुने जो विकास करते हो, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हो उत्तर प्रदेश। और कौन सा काम कर रहे हैं? समाजवादियों ने एक्सप्रेस बना दिया, उसी पे गिट्टी, उसी पे मिट्टी डाल ले। अरे अपना घोषणा पत्र पूरा करो। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्या पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस वे के बारे में क्या घोषणा पत्र में था उनके? आप बीजेपी के घोषणा पत्र के पन्ने पलटिए। क्या जो अलाइनमेंट और जो जमीन एक्वायर समाजवादियों ने नहीं की थी? क्या किसने की थी? आप हमारे ही काम को आगे बढ़ा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कर रहे हो। हम तो चाहते हैं सब काम ऊपर पूरे कर लो। लोक भवन जिसमें बैठ रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ की वो खिड़कियां बनाना चाहते हो इसलिए कि आप दूसरों को डराना चाहते हो। आप खिड़कियां बुलेट प्रूफ इसलिए चाहते हो कि दूसरे लोग डरते रहे आपसे।
कभी कभी लगता है कि ऐसे ही मुख्यमंत्री रहें तभी हमारी सरकार दोबारा अच्छे बहुमत से आएगी। उनकी एसपीजी हटी, हमारी एनएसजी हट गई, बात एन की और पी की है भाई, उनकी उनकी एसपीजी हटी और हमारी एनएसजी हटी, एनओएस दोनों के हट गए, हमारा क्या फर्क पड़ा बताओ एनएसजी हटाने से? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को तो दी हुई है सिक्योरिटी। आप सावधान रहना, ये हालांकि आप सरकार, आप सावधान रहना, मुझे तो ये लग रहा है ये रंग इसलिए पहना कि आप पे मुकदमा ना लगे। दो मेट्रो नहीं, समाजवादियों को मौका मिल गया होता। देखिए हमें लड़ना किससे है ये बात समझ में आनी चाहिए। मेट्रो समाजवादी सरकार की योजना के और उस समय सरकार के फैसले की वजह से बनी। मुझे खुशी है श्रीधन जी ने सुबह शाम दिन रात जब ज़रूरत पड़ी होगी उन्होंने हमारी मदद की और सरकार का सहयोग किया। कोचीन और लखनऊ की बराबर मेट्रो बन करके खड़ी हो गई। ये दोनों फेज जो बने खड़े हैं ये समाजवादियों की देन है। अभी आगे का जो तय होना था ये सरकार फाइल पे दबाए बैठी है सरकार, और अभी तक तो बनारस में शुरू हो गई होती। याद कीजिए पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब मैं कहता था कि लखनऊ में बना दी है, बनारस में भी बन जाएगी, आगरा में भी बन जाती, कानपुर में भी बन जाती। लोग ये कहते हैं जो लड़ाई है, कुछ लोग है ये गांव में और देहात में समझा देते हैं कि ये तो दिल्ली का पैसा है, ये उनका नहीं है मेट्रो, ये तो पैसा दिल्ली से आया था, ये तो और अच्छी बन जाती, ये तो खराब बनी है। देखिए उन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये नौकरी और रोजगार बड़ा सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार होकर के बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं। ये जो आर्थिक मंदी या जो हमारी इकोनॉमी ढह गई है, ये जो सेक्टर एक के बाद एक नीचे जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं बताओ नोएडा में और लखनऊ में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या वो मशीनें वैसी की वैसी नहीं खड़ी रह गई? क्या फ्लैट बिक रहे हैं? रियल इस्टेट की क्या हालत है बताओ? आप बताइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम खबरें आई हैं, देश की वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा, समझाना पड़ा कि हमारी इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन नहीं है। क्या शोरूम्स नहीं बंद हो रहे? क्या गोरखपुर में 2 या 3 मॉल नहीं बंद हो गए? आज मॉल नहीं चल पा रहे हैं। कोई सेक्टर नहीं है जो ग्रोथ कर रहा हो, सब जा रहे नीचे। तो कहां है नौकरियां, कहां है रोजगार? उत्तर प्रदेश में इसीलिए खजाने में पैसा नहीं है, डीजल और पेट्रोल की वैट दी हुई खत्म कर दी, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, पढ़ाई के हैं, लिखाई के हैं, नौजवानों के हैं। अभी कोई सवाल मत पूछिए, सवाल तो आधा हिंदी आधा ही अंग्रेजी ने पूछा है, और क्योंकि कुछ विभाग बदले गए, कुछ मंत्री नहीं हट पाए, हटने थे वो नहीं हट पाए, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं कि जिनको हटाना चाहते थे, जिन्हें कभी कुर्सी नहीं मिली, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जीरो टॉलरेंस जो बताया था सरकार ने करप्शन के लिए, सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन था और है और रहेगा।
आगे आवाज। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वही बहुत खुशी है इस बात की, बहुत पुराने नेता समाज में रह कर के सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ लगातार बनते रहे, उनके जीवन में क्या बदलाव आए, कैसे खुशियां आएँ, उसके लिए लगातार संघर्ष करने वाले घोड़ा राम जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, साथ ही साथ उनके बहुत सहयोगी साथी आए हैं। कुछ तो हॉल में आ पाए हैं लेकिन भारी संख्या में बाहर भी हैं। हम ही ने उनसे कहा और रोका कि लखनऊ में आपकी उपस्थिति ठीक है, उतना ही ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन भी और संघर्ष करते आए हैं, जहां वो खुद संघर्ष करते रहे वहीं उनके परिवार के सहयोगी भाई बेटे से लेकर के सब सहयोग करते रहे। आज वो भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जहां उन्होंने शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी से, और बलिया जो आखिरी है उत्तर प्रदेश का जिला, उसके बाद बिहार है, जहां पर बाढ़ से लेकर के तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है गरीब लोगों को। उनके जीवन में लगातार कैसे बदलाव आए उसके लिए काम करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो आज शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ वो कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, संगठन में रुचि रखते हैं और संगठन को कैसे और मजबूत बनाया जाए उस दिशा में भी काम करते रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि ऐप पर कारोबार चलता है, कुछ ऐप ऐसे हैं कि दुनिया में लोग जान रहे हैं उनके, और अभी मैं एक बहुत छोटे सी जगह पर गया था शिकाबाद, जब जानकारी हुई कि खाना मंगाने का ऐप वहाँ चल रहा है और 14 लोग या 14 रेस्टोरेंट्स हैं स्थान, वो उस ऐप से जुड़े हुए हैं। अगर नगर पालिका में और टाउन एरिया तक ऐप की भूमिका हो रही भूमिका हो, तो मैं समझता हूँ और क्षेत्रों में भी अगर ऐप का बढ़ावा दिया जाए तो बहुत आम लोगों को सहूलियत मिलेगी और उससे लोग कारोबार भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि किसान यूनियन के नेता और उससे जुड़े हुए तमाम लोग आज मौजूद हैं, और उन्होंने अपने एक साथी के साथ फैसला लिया है कि किसान जंक्शन जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसकी आज वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे किसानों को उनकी सहूलियत मिल सकती है, जहां ऐप पे जाकर के बहुत किसान क्या कर सकता है। हालांकि ये काम तो सरकार को बड़े पैमाने पे करना चाहिए। मैं इस मौके पर संजीव किसान को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, राजेश चौहान जी और किसान यूनियन के नेता हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के लोग हैं, गिरिजेश चौबे से लेकर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। गिरिजेश यादव भी हैं, मौर्या भी हैं, क्योंकि नाम के पीछे ना जोड़ा जाए तो अच्छा समाजवादी दिखेगा। अच्छे लाल निषाद जी हैं, डॉक्टर गीता कुमारी हैं, ये भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ साथ एक बहुत लंबी सूची है जिसमें कि अगर मैं सूची पढ़ना चाहूं, अगर आप इजाजत दो तो मैं सूची पढ़ दूंगा। संतोष कुमार जी, गुड्डू यादव जी, डॉक्टर डीएन, श्री चंद्रभान राजभर, श्री संजीत मास्टर, धर्मेंद्र भारती जी, अरुण राजभर जी, मुन्ना कुमार,
चैन प्रताप लल्ला राम, तो मैं बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शामिल हो रहे हैं, इनको बधाई देता हूं। और मैं आखिरी में कहूंगा कि राजन चौधरी जी, सबकी सूची जितने नाम पढ़ सकते हैं आप सब पढ़ देना, उन सभी साथियों को, और कई लोग आज सदस्यता भी लेंगे। इसलिए गुरु राम जी की बहुत बहुत बधाई, उनके साथियों के सहयोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वहीं देश और उत्तर प्रदेश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। किसानों की आत्महत्या करने की खबरें प्रदेश से लगातार आ रही हैं और देश के अलग अलग कोने से भी किसानों की आत्महत्या की सूचनाएं मिल रही हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से सरकार असफल हुई है, हत्याएं बढ़ी हैं, लूट बढ़ी है, बलात्कार बढ़े हैं और फर्जी इनकाउंटर की सूची बहुत लंबी है। और इतनी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां सरकार के पहले दिन से कोशिश रही कि कानून व्यवस्था के सवाल पर जीरो टॉलरेंस रहेगी, वहीं जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश लग रहा है कि हत्या प्रदेश बन गया है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने, लखनऊ समिट के बहाने, कई महीनों पहले बहुत सारे उद्योगपति इकट्ठे हुए थे, बहुत चढ़ करके प्रचार हुआ था उसका। उससे भी ज्यादा प्रचार हुआ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। इन्वेस्टमेंट क्या आया है, समिट का क्या जमीन पर उतरा है, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पाया है। इन्वेस्टमेंट के बहाने उद्योगपति तो बुलाए गए, लेकिन जमीन पर अभी तक कोई चीज नहीं उतरी है। और जिस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा गया था तो 70 लाख बताया था कि नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे। आखिरकार नौकरी रोजगार हैं कहां? जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, ना प्रदेश में नौकरी रोजगार है, ना देश में नौकरी रोजगार है। इतना नौजवान कभी रोजगार के अभाव में नहीं जीवन जिया होगा जितना आज इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी रहा है। और आज तो लगातार देश के चाहे इकोनॉमिस्ट हों, या देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, या देश के बारे में जो बहुत समझते हैं चीजों को, उनके स्टेटमेंट्स देखें तो देखें कि कहां जा रही है अर्थव्यवस्था। और अब तो अर्थव्यवस्था में हमारे पड़ोसी देश भी आगे निकले जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश बगल का देश हमारा, उसका आज पैसा आपके पैसे से आगे चला गया। आज ढाका के पैसे की कीमत ज्यादा है आपके। कहां भारत को यह सपना दिखाया जा रहा था कि रुपया डॉलर, हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। और जिस समय कही जाती थी बातें, उस समय डॉलर कहां था, रुपया कहां था, और आज दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण डॉलर अपनी ऊंचाइयां बढ़ाता चला जा रहा है। और जब देश की बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी ये बात कहें, जिन्होंने सबसे देश की ऊंची प्रतिमा लगाई हो, अगर वही कहें कि मेक इन इंडिया फ्लॉप शो था, तो बताओ हम उनकी बात का यकीन करें कि ना करें। और जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती थी कि हमारा करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रहेगा, मंत्रियों का इस्तीफा देना, मंत्रियों के विभाग बदल जाना, ये साबित कर रहा है कि पिछले 2.5 साल के लगभग, या 2 साल से ऊपर समय जो गुजरा है, पूरा भ्रष्टाचार में समय गुजरा है। और आने वाला समय भी जो गुजरेगा, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में गुजर जाएगा। इतना भ्रष्टाचार, और जो लोकतंत्र चला रहे हैं,
वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं ईडी, इनकम टैक्स और डर से। ये डेमोक्रेसी की नई परिभाषा है, ये नए कुछ निकली हैं चीजें, डरा करके लोगों को, उनके बीच में भय पैदा कर करके, धर्म के खिलाफ नफरत फैला करके, जातियों के खिलाफ एक दूसरे को भड़का करके, वो डेमोक्रेसी चला रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान हटा रहे। बीजेपी के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है जो ध्यान हटा देता है। इसलिए हमें खुशी है इस बात की आज बड़ी संख्या में जमीनी लोग हमें मिले हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ने वाले, और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमसे कई मौके पर मिले हैं। अब यही संकल्प ले रहे हैं कि हम जमीन पर काम करेंगे, और जब जमीन पर काम होगा तो जमीन से हरा करके उन्हें भेजेंगे, क्योंकि जमीन पर आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो किसान अपनी खुशहाली का इंतजार कर रहा था, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी। डीजल और पेट्रोल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, डीजल और पेट्रोल से उनका सम्मान कर दिया, महंगा कर दिया। केवल वोट तक सीमित था कि वोट मिल जाए, सरकार बन जाए, उसके बाद किसान को भी देख लेंगे डीजल पेट्रोल महंगा करके। अभी बिजली का बिल आया नहीं है, अगले महीने के बाद बिजली का बिल भी आ जाएगा। जो पैसा आपको दिया सरकार ने, वही पैसा आपसे वापस ले लिया। हम उन बुद्धिजीवियों को ढूंढ रहे हैं। जब हमारे विजन डॉक्यूमेंट में ये बात कही गई थी कि अमीर लोगों पर टैक्स लगाएंगे, उस समय क्या हेडलाइन बनी थी, मैं उनसे ही जानना चाहता हूं। सरकार ने उन्हीं अमीर लोगों पर, जो समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में था, उन पर टैक्स लगाया है, तो आप लोग वो बात नहीं कह रहे हो जो समाजवादियों के बारे में कहा था आपने। इसलिए किसान दुखी है, नौजवान के भविष्य के लिए कोई सरकार को चिंता नहीं है, नौकरी और रोजगार है नहीं, इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। गांव-गांव में 95% और 100% ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये हमारा देश है, इसलिए लगातार ऐसे साथियों को हम जोड़ेंगे और लगातार ऐसे साथियों को पार्टी में शामिल करेंगे। पिछला चुनाव जो हुआ उसका जो परिणाम आया हमने स्वीकार किया, जब भी हमें मौका मिला मैंने कहा, और मैं आज फिर कहता हूँ वो बात कि तमाम वो साथी बहुजन समाज पार्टी के जिन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की मदद की थी, मैं आज फिर उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि अगर उनका सहयोग नहीं होता तो शायद इतने वोट नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने हम पार्टी और गठबंधन का जो सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ। साथ ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष फूलन सेना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, निषाद समाज में वो लगातार काम करते रहे हैं, और अभी जब बातचीत हुई उनसे, उनके साथियों से, तो ऐसा लगा कि उनके समाज के साथ भी धोखा हो गया। जो नौकरी पा रहे हैं लोग, वो उनके समाज के लोग नौकरी नहीं पा पा रहे हैं। अभी जो नौकरियां हाल में आई भी हैं, उनके समाज के लोग वैसे ही देखते रह गए दूर से कि नौकरी आई और नौकरियां उनके समाज को नहीं मिली, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा समाज। तो ये तो हर समाज के साथ यही हुआ, बस चुनाव में बीजेपी के लोग एक दूसरे से नफरत फैला देते हैं, खाई पैदा कर देते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो महंगाई जैसा उपहार दे देते हैं।